नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल टोटल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम UPPCS और RPSC SI के लिए GK के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। ये फ्रेंड्स हमारा पहला लेक्चर है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो GK के, करंट अफेयर के और FT रीजनिंग भी टाइम मिलेगा तो आपको प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड देखिए, RPSC SI का 7 अक्टूबर को है और UPPCS प्री जो है 28 अक्टूबर को एग्जाम है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। पहला है फ्रेंड, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म किस स्टेट में हुआ? तो फ्रेंड, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ये फ्रेंड 3 बार 1996 में फ्रेंड्स 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद 1998 में, फिर फ्रेंड 99 में, और ये मोरारजी देसाई जी की सरकार में ये फ्रेंड्स विदेश मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनका भी निधन हो गया था कुछ समय पहले और बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए नेता थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गोलमेज सम्मेलन किन वर्षों में हुआ? तो फ्रेंड्स 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, ब्रिटेन में। और ये फ्रेंड्स, इसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया और गांधी जी फ्रेंड्स द्वितीय सम्मेलन में गए थे। ठीक है, तो कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में, और गांधी जी फ्रेंड्स और अम्बेडकर जी तीनों सम्मेलन में गए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड, ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो फ्रेंड 2 मेडल जीते थे। ठीक है, दोनों महिलाओं ने जीते थे, एक ब्रॉन्ज एक सिल्वर। नेक्स्ट है फ्रेंड, 52वां संविधान संशोधन संशोधन के मतलब इसके समय भारत के पीएम कौन थे? तो फ्रेंड इस टाइम पे कौन पीएम थे? राजीव गांधी थे INC के। ठीक है, ये जो संशोधन है, ये फ्रेंड्स जो एक्चुअल में जो राजनीतिक पार्टी रहती है तो वो क्या करती है फ्रेंड्स, इसके लिए 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, तो जो दल बदल कानून रहता है वो इसी से संबंधित है फ्रेंड। ठीक है, 52वां संशोधन। नेक्स्ट है फ्रेंड, SC ST एक्ट जिस समय बना था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। 1989 में बना था और 30 जनवरी 1990 से ये लागू हुआ था, लेकिन उस टाइम में बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री हो गए थे। ठीक है, और 1900 मतलब 30 जनवरी से इसीलिए लागू हुआ क्योंकि फ्रेंड्स ये गांधी जी भी मतलब जो कमजोर तबके थे जिसमें खास करके अनुसूचित जाति जनजाति आते हैं उनके लिए भी काम किया था, तो कांग्रेस सरकार ने ये इसीलिए 30 जनवरी से लागू किया था बीपी सिंह जी ने। नेक्स्ट फिर SC ST को कितने परसेंट आरक्षण है सरकारी नौकरियों में? तो फिर 15% SC के लिए और 7.5% ST के लिए, तो 22.5% है। और साथ ही साथ फिर देखिए, हमारे देश में फिर 3 टाइप का आरक्षण है, एक तो फिर सरकारी नौकरी में, दूसरा स्कूलों में जो इंस्टीट्यूट है उनमें, और फिर तीसरा है फ्रेंड्स किसमें, जो लोकसभा विधानसभा इनमें जो राजनीति में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, केरल की राजधानी क्या है? फिर तिरुवनंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है। अभी फिर केरल में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी अगस्त में, तो इसलिए सुर्खियों में आया था। नेक्स्ट जो नेक्स्ट GK है फ्रेंड, भाषा संबंधी संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो फिर 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उनका उल्लेख है। ठीक है, तो उस समय जब संविधान बना था केवल फ्रेंड 14 भाषा ऐसी थी, 14 जिनका उल्लेख था। नेक्स्ट है IPC की धारा 377 संबंधित है, ये फ्रेंड्स LGBT जो समलैंगिकता से संबंधित है। अभी हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स इसे मतलब ये पहले अपराध था समलैंगिकता, अभी इसको अपराध मतलब अब अपराध नहीं बनाया है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अनुच्छेद 35 से ये फ्रेंड जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसमें ये उल्लेख है कि जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सुर्खियों में रहता है। NRC किसे स्टेट में जारी की गई है, अपडेट की गई? तो फिर असम में NRC जारी की गई है, जिसमें फिर लगभग जो 40 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जो ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि वो वहाँ के असम के परमानेंट नागरिक हैं। देखिए फिर NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, ये फिर 1951 में पहला रजिस्टर जारी किया गया था, क्योंकि फ्रेंड्स जो भारत का विभाजन हुआ था उसमें फिर पंजाब और बंगाल का विभाजन मतलब दोनों पाकिस्तान में भी गए थे और भारत में भी।